बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी साकी चश्मे साकी के साथ हाजिर है नाज़रीन। आज 31 अक्टूबर 2021 का दिन है और मैं इस वक्त सरदारपुर और अहमदपुर सियाल के दरमियान जो किश्तियों वाला पुल बनाया जा रहा है उसके पहले क्रिक पे मौजूद हूँ और इसको मुकम्मल तौर पर बना दिया गया है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो है बर्ती वगैरह, कुंद्र वगैरह या कख वगैरह डाले हुए हैं और बिल्कुल बेहतरीन रास्ता इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। और बाकी जो अगला जो क्रिक है या जो पुल है उस पे तेज़ी से काम जारी है और उसका जाके आपको अपडेट करता हूँ। और इन्होंने कहा था कि 5 नवंबर को हम इंशाल्लाह चालू कर लेंगे, तो अब जाके इंतज़ामिया से पूछते हैं कि क्या वाकई 5 नवंबर तक ये पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा या फिर कुछ और दिन लगेंगे। तो इस हवाले से आगे जाके आपको अपडेट करते हैं। तो ये नाज़रीन, ये दरिया का जो अब मंज़र है और ये जो पुल है इसका जो शोर है, फट्टे वगैरह हैं उनका जो मखसूस शोर है वो सुनाने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। और आगे जाके आपको असल जो क्रीक है तो वहाँ पर आपको अपडेट करता हूँ और पूछता हूँ कि कितनी देर तक, कब तक ये चल जाएगा, मतलब अगले 4-5-7 दिनों में। ये देखें, ये रास्ता जो है इस पर ये उनका डेरा वगैरह बनाया हुआ है उन्होंने, इंतज़ामिया ने। और ये देखें कि ऊपर बर्ती भी डाली हुई है उन्होंने, बेहतरीन रास्ता बनाया हुआ है नाज़रीन। ये देखें, बड़ा खूबसूरत रास्ता बनाया हुआ है और पानी का छिड़काव भी किया जाता है यहाँ पर नाज़रीन। ये खूबसूरत बेले बूटे काही ये मंज़र है और दरिया के पेट का कच्चे का इलाका इसे बोलते हैं। और इसमें अमूमन जो फसलात तरबूज वगैरह की जो फसलें हैं वो काश्त की जाती हैं। और इतना ख़तरनाक पुरखतर रास्ता नहीं है कि यहाँ पे जो लोग रात को गुजरते हैं, क्योंकि जो पहले पुल बनाया गया था फरवरी मार्च में तो तब भी इधर कोई मसला नहीं था। मतलब रात को चौकी फाजिलशाह थाना सराय सिद्धू की पुलिस भी गश्त करती है और फिर चौकी समंदवाना अहमदपुर सियाल थाना की जो पुलिस है वो भी यहाँ पे गश्त करती है। तो कोई इतना ख़तरनाक रास्ता नहीं है, मतलब आप रात के किसी वक्त भी यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से गुज़र सकते हैं। ये देखें नाज़रीन, अब हम जो मेन स्ट्रीम है दरिया की उस पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने जो कख या बर्ती है वो थोड़ी कम डाली है क्योंकि इस पर अभी काम हो रहा है और इसको इसमें भी और डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप वो देख सकते हैं कि जो कश्ती है वो जा रही है समंदवाना की तरफ और पुल का कुछ हिस्सा बन भी गया। ये जाके मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखें, वहाँ पे कश्ती पे लोग सवार हैं और दूसरी तरफ ये पुल बनाया जा रहा है नाज़रीन। ये देखें, ये जो है कश्ती ये जा रही है मेन स्ट्रीम है दरिया चनाब की। और ये इस वक्त जो पुल है वो तकरीबन कुछ हिस्सा उसको बना दिया गया है, अगले 4-5-7 दिनों तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये मेन स्ट्रीम पे और इस पे तेज़ी से काम जा रही है। लेबर यहाँ पर जो है जांफशानी से काम करते हुए ये देखें इसको बड़े मखसूस अंदाज में उठाकर लेके जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कश्ती है और वो दूसरे किनारे पर अब लग रही है और ये बिल्डोज़र भी काम कर रहा है यहाँ पर। ये देखें, तो नाज़रीन ये काम तेज़ी से जारी है और इधर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब फोरमैन है और वो बता रहे हैं कि सर कब तक हो जाएगा? एक हफ्ते तक इंशाल्लाह। एक हफ्ते तक, मतलब 5-6 इंशाल्लाह। तो ये किन्ने 3 क्रीक्स बनते पे? पहला बन गया, दूसरा ये शुरू हुआ माशाल्लाह, तो तीसरा भी मतलब हो जाना इंशाल्लाह। तो फिर बाकायदा इफ्तिताह करोगे? तो फिर हाँ, तो नाज़रीन ये 7-8 नवंबर को इंशाल्लाह जो पुल है कश्तियों वाला सरदारपुर और अहमदपुर सियाल के दरमियान वो बाकायदा ऑपरेशनल हो जाएगा। तमाम दोनों अतराफ सुनने वाले मुसाफिर नाज़रीन जो मेरे से रबते में और काफ़ी दोस्तों की कॉल्स आई इस हवाले से कि कब तक इसको चालू किया जा रहा है, तो नाज़रीन आपको मुकम्मल अपडेट दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह
6 या 7 या 8 नवंबर तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये देखें बड़ा तेज़ी से काम जा रही है और लेबर जो है वो जहाँ फशानी से काम कर रही है, सुबह से शाम तक यहाँ पर काम करें, और फोरमैन गुलाम मुस्तफ़ा साहब की कस्टडी में बहुत ज़्यादा बतरी के ऐसे काम करें, तो इंशाल्लाह 7-8 नवंबर को चालू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।